तो दोस्तों अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, हमारा बैग तैयार हो गया है, मेरा बैग रेडी हो चुका है और सब यहीं पर है। रहे हैं कहाँ जा रहे हैं सर? मैं भूल गया। हम ऋषिकेश जा रहे हैं और करण को हम बाबा कह रहे हैं। करण भाई, अब मैं तुझे मंडे मिलूंगा, अरुण तुझे ही मंडे मिलूंगा। बाय। ये तो भूल गया, अभी ऐसे चलेगा। हाँ भाई, तो ये हमारी फौज है पूरी, ये सब जा रहे हैं ऋषिकेश। चलो चलें, चलो चलो चलो। दोस्तों गाड़ी चलाने को लेके बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। गाड़ी कौन चलाने वाला पहले मुझे बता दो। ये तो वही है ना। लो, इतना अंधेरा क्यों है यार? कुछ ओ भाई साहब, ये परफ्यूम कहाँ सा है यार? ये तो वही वाला परफ्यूम है ये वही वाला वो यार भयंकर सा। उस दिन हम ऋषिकेश जा रहे हैं। अरे पुनीत भाई तो बिल्कुल नहीं दिख रहे यार। पुनीत भाई उजाले में आओ थोड़ा सा। ये पुनीत भाई आ गए। ललित भी गायब हो रहा है। नई घड़ी ली है तुमने? अरे नई घड़ी चिराग की, बढ़िया सा लग रहा है। हरिद्वार पहुंच गए हम लोग। ललित कहाँ रह गया? हाँ हाँ, चाय लगाओ बढ़िया वाली। हाँ बढ़िया वाली कड़क चाय। कहाँ रोकी? रोकी, अरे 10-15 मिनट तो सोए थे तुम। रोकी का गाड़ी नंबर गाड़ी रोकी ने पता क्या करा है? नींद में तुम नींद में तुमने देखा ना, तुम पी आए जाओ मैं ना जा रहा हूं। अच्छा हां हां, जो तुम रोकी गाड़ी तुम कह रहे हो, मैंने कहा मैं जा रहा, तुम बाहर जाओ। अब बताओ यहां क्यों नहाते हैं जो आप कह रहे हो? बताओ। नहीं पता। नहीं पता भाई। यहां विकास बताएगा क्यों नहाते हैं। इधर वो स्नान करा था इसलिए फेमस है ये बात। इसलिए नहाते हैं तो तुम यही नहाओगे? ना हम तो नहाएंगे सिर्फ अवन से सुबह अवसर पे। किसी का सच सुन ले, किसी का सच भी गुना, किसी की बस यादों में करे है चल सारा जहां। पुनीत भाई मन्नत मन्नत मांग के लाए हो क्या? Yes. क्या मन्नत मांगी है? तो भाभी के बैग में मन्नत मन रही है। हाँ गहरे पानी में बिल्कुल। जल्दी 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 कितने फोन पकड़े फोन घर लो जेब में बिल्कुल बदतमीजी भाई। गाड़ी चाबी तुम रखो जेब में। मैं मुझे कुछ मत दो। अरे जेब में धर लो बस। अरे पकड़ लो बस। वो तो वीडियो बना रहे भाई। तो ये इतना टाइम लगे रेल उतारने में, तुम तो रह जाओगे नहीं हो में। पुनीत भाई पहुँच जाओ जल्दी, घुस जाओ पानी में। ठंडा हो रहा पानी में ऐसा लग रहा है। तो भाइयों अब हम ऋषिकेश में हैं और वो कौन सा ढाबा था जिसमें हमने खाया था? विशाल। हम जब मेरठ पे जैसे ही पहुँचे हमने विशाल ढाबा में खाया। एक नंबर का बकवास ढाबा था, कुछ भी ऑर्डर करो वो नहीं मिल रहा था। उससे हमारा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। फिर हमने यहाँ हरिद्वार में आके चाय पी, बहुत मज़ा आया। और अब हम सब यहाँ नहा रहे हैं। ओए 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 ओए, पानी मत घेरो यार। इसके बाद हम सीधा निकलेंगे ऋषिकेश के लिए और बने रहो मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फुल ऑन मस्ती।